मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो आपको वीडियो करवा रहे हैं वो एक कंपटीशन एग्जाम में हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो आपको भेज रहे हैं। आशा है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यदि कोई डाउट है तो हमारे चैनल हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारे पास स्टार्टिंग जो वीडियो है, आज हम सबसे पहले बताएंगे विटामिन्स के बारे में, कुछ इसके ट्रिक्स भी हमें यूज किए हैं। सबसे पहले है विटामिन। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन जो है उसकी खोज की है फंक ने। ये एक कार्बनिक यौगिक है जो रोगों से हमें रक्षा करता है। विटामिन्स की खोज जो है फंक ने की है। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो हम बोलेंगे फंक ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो हमारे रोगों से रक्षा करता है। इसके कुछ रासायनिक नाम और इससे रोगों से संबंधित विटामिन्स के टाइप हैं आपके पास, ए, बी, सी, डी, ई और के। और यहाँ पे इसके रासायनिक नाम को याद करने के लिए एक ट्रिक यूज की है, रथ पर एक टॉफी। यहाँ पे पर कुछ को है उसको साइलेंट कर दें, तो रथ से रे से बनेगा रेटिनोल, थे से आपका बनेगा थायमिन, ए से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, कै से बनेगा आपका कैल्सिफेरॉल, टो से बनेगा टोकोफेरॉल और फी से बनेगा फिलोक्विनोन। यानी आपके पास ये आपके रासायनिक नाम भी कंप्लीट। ए का जो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्पॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इससे संक्रमण का खतरा होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का, ये मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से आपका रिकेटेस, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता का रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जम जाता है। फिर आते हैं विटामिन जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील। इसके लिए भी हम एक ट्रिक यूज किए हैं। आप एक कीड़ा को पानी में डाल दें और वसा में डाल दें। कीड़े को पानी में डालने के बाद क्या होगा? एक जो कीड़ा होता है वो जल में तो घुल नहीं सकता, पानी में घुल नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, वो वसा में घुलेगा। तो कीड़ा जो यूज किया है विटामिन के, ई और डी और ए, ये सभी वसा में घुलेंगे। बी और सी जो आपके पास बच जाते हैं वो जल में घुलनशील। यदि आपसे जल से घुलनशील पूछा जाए तो आपके बी और सी, और वसा से घुलनशील बोला जाए तो के, ई, डी, ए। अब विटामिन बी के जो हैं नाम है रासायनिक नाम सुन के लिए, विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी वन सॉरी थायमिन, बी टू जो है राइबोफ्लोविन, बी थ्री निकोटिन नेमाइड, बी फाइव पेंटोथेनिक, बी सिक्स पायरिडाइक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटीन, बी इलेवन फोलिक अम्ल, बी ट्वेल्व साइनोक बालमिन। इसके लिए भी एक ट्रिक की है, थीराइड की निकोपेंट बायो ने फास्कर। यहाँ पे की ने और के जो होंगे वो साइलेंट होंगे, तो थी से थायमिन, राई से राइबोफ्लोमिन, निको से निकोटिनेमाइड, पेंट से पेंटोथेनिक, पाई से पायरिडाइक्सन, बायो से बायोटीन, फा से फोलिकमल, से साइनोकबालमिन। इस प्रकार से हमारी ये विटामिन्स की जो वीडियो है ये कंप्लीट हुई। आशा है कि आप जल्दी आपको नई वीडियो के लिए हैं आने वाले हैं उसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।